नहीं उग, तुम नहीं करोगे। तुम ऑलरेडी नेत्रा पर इतना गुस्सा हुए थे और तुम अब जूस लेके जाओगे तो शक करेगी। Exactly. तू नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीका है। अगर तू ना रहे, मैं ना रहूं, मतलब ये कि तू नेत्रा के पास युग बन के ना जाए, वेटर बन के जाए। तू उसको जूस भी दे सकता है, उसको शक भी नहीं होगा। वाह जीजू, क्या सही प्लान है ये। चलिए ये सही रहेगा। युग वेटर के कपड़ों में जाएगा, कोई उसे पहचानेगा भी नहीं, और किसी को कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, और हमारा काम भी अच्छे से हो जाएगा। वाह भाई, यार भाभी के साथ रह रहे के बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। पिटना है तुझे? नहीं नहीं भाई, पिटना नहीं है, फिलहाल तो वेटर बन के आना है। वैसे सुबह प्लान है भाई, अब युग गया एंड युग द वेटर बन के अभी आया। वॉच द स्पेस। पूर्वी, मुझे कुछ कहना है तुमसे। बोलो। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, और ऐसे वक्त में मेरे साथ होने के लिए थैंक यू। ऐसे थैंक यू बोलना है तो जिंदगी भर बोलते रहना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदगी भर ऐसी मुसीबतों में फंसता जाऊंगा? नहीं, पर जिंदगी भर मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। I don't mind. मैं तुम्हें जिंदगी भर थैंक यू बोलने के लिए रेडी हूँ। वैसे तुम थोड़ी अच्छी तो हो। तो तुम्हें भी थोड़ा सा थैंक यू। और भी तुम्हें पता है, मुझे काफी टाइम से ऐसा फील नहीं हुआ है। कैसा? सुकून, दिल का सुकून, दिमाग का सुकून, जो सुकून मुझे तुम्हारे साथ महसूस होता है ना, वैसा आज तक कभी महसूस नहीं हुआ। तुम जियो, सीरियसली वो अच्छी। अच्छा ठीक है, ज्यादा तारीफ मत कर। क्यों? क्योंकि खुद पे गुरूर होने लग जाएगा। थोड़ा गुरूर तो होना चाहिए, तुम्हारे तो सभी तारीफ करते हैं। पर मुझे सबकी तारीफ मैटर नहीं करती, तुम्हारी तारीफ मैटर करती है। ऐसा क्यों? अच्छा रुको, सुनो, सवाल नहीं पूछूंगा, पर ऐसे जाओ मत। क्यों? क्योंकि सब लोग यहीं आएंगे ना, अभी युग भी वेटर बन के आएगा, उसको वो सीरम देना है और वो ड्रिंक में मिला के फिर नेत्रा को देगा, इसीलिए।